जी सर, चैनल वन न्यूज पर। एमएलएम कंपनी एक ऐसी कंपनी जो आपको पैसे कमाने का तरीका बताती है और आपको रातों रात अमीर बनाने का ख्वाब दिखाती है, लेकिन हकीकत में ये सुनहरे सपने पूरे कम बल्कि टूटते ज्यादा हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा माहेश्वरी और हम बात कर रहे हैं एमएलएम कंपनी के फर्जीवाड़े की, जिसने अपनी जेबें भरने के लिए कईयों को चूना लगाया। तो कैसे ये कंपनी लोगों को लूटती है, क्या है इसके काम करने का तरीका, कितने लोग हुए हैं अभी तक इसके शिकार, तमाम सवालों के हम देंगे जवाब और खुलासा करेंगे एमएलएम कंपनी के घपलेबाजी का। एनमार्ट कंपनी ने मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि एमएलएम के जरिए करीब 5000 करोड़ रुपए की ठगी की है। एनमार्ट ने 5500 रुपए का रिटेल पैक लोगों को बेचा, जिसमें कंपनी ने 4 साल तक हर महीने 1500 रुपए का सामान अपने आउटलेट्स पर मुफ्त में देने का वादा किया, पर कंपनी ने किसी को भी मुफ्त में सामान नहीं दिया। एनमार्ट का फर्जीवाड़ा। एनमार्ट ने एमएलएम के जरिए करीब 5000 करोड़ रुपए की उगाही की। ये रुपए कंपनी को मुनाफे के तौर पर नहीं बल्कि कंपनी के सैकड़ों लोगों को दौलत का ख्वाब दिखाकर ठगा है। कंपनी ने 5500 रुपए का रिटेल पैक लॉन्च किया। रिटेल पैक में हर महीने 1500 रुपए का सामान मुफ्त में देने का वादा किया था, वो भी 4-5 महीनों तक के लिए नहीं बल्कि पूरे 48 महीने तक। इसके साथ ही रिटेल पैक खरीदने वाले को 20 लोगों का एक चेन भी बनाना था जो इस रिटेल पैक को खरीदे, और कंपनी ने 20 लोगों को चेन बनाने पर एक इन्वर्टर देने का वादा किया था। कंपनी का ऑफर आकर्षक था, सो सैकड़ों लोगों ने फटाफट 5500 रुपया रिटेल पैक खरीद लिया, पर कंपनी ने 48 महीने तक तो छोड़िए एक महीने भी मुफ्त में सामान नहीं दिया। मेरा नाम दशरथ भाई है। आप पूरी बात बताइए, कितना पैसा यहाँ पे भरा? हाँ, हमारे दो कूपन लिया है, 5500 रुपया दो बार भरा है और दो कूपन लिया है, और हमारा भाई ने भी दो कूपन लिया है, और हमारा एक भतीजा भी दिया है, उसका 5 कूपन लिया है। अभी 3-4 महीने से तब कोई सामान देता नहीं है। अब सब बोलता है अभी सामान नहीं आएगा, आएगा तब मिलेगा, अभी 2 महीना लगेगा, दिवाली के बाद आना, अभी आएगा तो आपको मालूम पड़ेगा, अभी देता नहीं है। नहीं, हमने इन्वेस्ट, हम तो खरीदने कस्टमर हैं, हम तो खरीदने आए हुए थे, तो अभी सामान बोलते हैं नया आ नहीं रहा, कुछ दिन से बंद है, बोलता नया सामान तभी आ पाएगा जब इनका कुछ शायद फंड वगैरह है वो रिलीज होगा। तो अभी कुछ सब पुराना सामान भी बहुत कम है, मतलब मेरे ख्याल से 20% या 30% सामान होगा। एनमार्ट के चेयरमैन गोपाल शेखावत की कई और फर्जी कंपनियां चल रही है। गोपाल शेखावत ने नोएडा में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन नाम की एक संस्था भी खोली है। जब चैनल वन न्यूज के टीम ने नोएडा स्थित इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के दफ्तर पर पहुंची तो दफ्तर बंद था। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि संस्था काफी समय से बंद है। एनमार्ट के चेयरमैन गोपाल शेखावत पर इससे पहले भी सूरत में रियल एस्टेट के कारोबार में फर्जीवाड़े के आरोप लगते रहे हैं, पर हर बार गोपाल शेखावत कानून के चंगुल से बच निकला। सैकड़ों लोगों को आकर्षक ख्वाब दिखाकर एनमार्ट ने 5000 करोड़ रुपए ठग लिए। इस तरह की ठगी पहली बार नहीं हुई है। एनमार्ट के तरह पहले भी कई कंपनियों ने एमएलएम के जरिए लोगों को चूना लगाया है। ये ठगी करने वाली कंपनियां रुपए लेकर फरार हो जाती है, और भुक्तभोगी लोगों का क्या, उनकी मेहनत की कमाई तो इस गोरख धंधे के भेंट चढ़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। तो ये है, अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि किस तरीके से एनमार्ट का फर्जीवाड़ा फैला और उसने अपनी चपेट में यानी कि लोगों को किस तरीके से लूटा, किस तरीके से ठगी के इस खेल को खेला और अपनी तिजोरियां भरी। इस मुद्दे पर पूरी तरह से हमारे साथ चर्चा करने के लिए सीधे मुंबई से जुड़ गए हैं सीनियर एडवोकेट प्रदीप नामियार जी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल वन न्यूज में।
हम बात कर रहे हैं एनमार्ट की एक और फर्जी कंपनी, एक और फर्जीवाड़ा, एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। तो हम विस्तार से हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये कंपनी लोगों को ख्वाब दिखाती थी और उसके बाद उन्हें लूटती थी, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो ख्वाब दिखाए गए उसके आधार पर लोगों का विश्वास करना, इस कंपनी पर विश्वास करना लाजमी था, जिसकी वजह से वो उस पर विश्वास किए और खुद ठगे गए। एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग इज परफेक्टली राइट। ये आप देखेंगे तो ये एक मनी सर्कुलेशन रैकेट था, दिस वॉज प्योरली अ मनी सर्कुलेशन रैकेट। तो आंध्र प्रदेश पुलिस ने 12/9 यानी 12 सितंबर को सूरत से गोपाल शेखावत और उनके सभी डायरेक्टर्स को अरेस्ट कर लिया और उनके सारे प्रॉपर्टीज को सील कर दिए। आप अगर पहले से देखेंगे द एंटायर रैकेट वॉज अ मनी सर्कुलेशन, इज नॉट फीजिबल बिजनेस। ये बिजनेस बिल्कुल फीजिबल नहीं है। आप मनी सर्कुलेशन कर रहे हो, आप जो भी क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं उनको ये कह रहे हो कि 5,500 का सामान आपको लेना पड़ेगा और दो और मेंबर को आपको जोड़ना पड़ेगा और दो मेंबर को जोड़ेंगे, यानी एक के बाद एक पूरे चेन के चेन बंधे जा रहे थे। एंड द मोस्ट अमेजिंग फैक्ट वॉज दिस बिजनेस मॉडल इज नॉट फीजिबल। 5,500 का आप 70% कमीशन इमीडिएटली आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, 70% जो अमाउंट उन्होंने कलेक्ट किए हैं उसका 70% इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूटेड एज कमीशन। तो बाकी जो 30% बचा है वो 4 साल में ओरिजिनल अमाउंट का डबल दे रहे हैं, यानी 5,500 का आप 11,000 4 साल में दे रहे हो, पर वो जो 5,500 है उसका 70% तुरंत आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो कमीशन के हिसाब से। तो दिस बिजनेस मॉडल विल फेल, दिस बिजनेस मॉडल खड़ा ही नहीं हो सकता, इट इज अ फेल्ड मॉडल। द पॉइंट इज, उसके साथ आपने कहा कि मैं पूरे देश में मॉल सब जगह करूंगा, 150 मॉल था इनका, 150 मॉल्स। बट मुंबई के आप अगर एग्जाम्पल लोगे तो मुंबई में एक भी मॉल नहीं था, नॉट वन मॉल। तो उन्होंने 220 रुपीज का कूपन 48 मंथ्स के लिए दिया कि ये दिखाने के लिए हमारा रिटेल से जुड़ा हुआ है, बट मनी सर्कुलेशन और रिटेल से कोई उनका वास्ता नहीं था। देर वॉज नो कॉम्बिनेशन, देर वॉज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मनी सर्कुलेशन रैकेट एंड द रिटेल मॉडल, बोथ फेल्ड बिकॉज वन हैड टू फेल बिकॉज मनी सर्कुलेशन का जो रैकेट था 5,500 लेके और मेंबर्स को जमा करना, 2 का 4, 4 का 16, 16, दिस वॉज अ रैकेट, दिस वॉज अ मनी सर्कुलेशन रैकेट फॉर्मिंग अ पिरामिड। ये पिरामिड उनको बनाना था, पिरामिड स्कीम। ये पूरे देश विदेश में ये स्कीम फेल हो चुका है, दिस स्कीम हैज फेल्ड अक्रॉस द नेशन, नॉट ओनली अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द वर्ल्ड। इसको पोंजी स्कीम बोलते हैं। तो इमीडिएटली हमारे जो एनफोर्समेंट एजेंसी था उनको शुरुआत में ही इनको तुरंत कार्रवाई करके प्राइस मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट के तहत, बिकॉज आप देखेंगे 4 साल तक इस कंपनी को उन्होंने चलने दिया जी। 4 साल तक एक कंपनी चला और जब डबल देने के वक्त आ गया कंपनी बंद हो गया। तो हमने दो मुद्दा है कि ये 4 साल के बाद एग्जैक्टली कैसे बंद हो गया, बिकॉज 4 साल के बाद ये लाइबिलिटीज चालू हो गया इनका डबल देने का। तभी अभी एक देखें, पूरे देश में जितने भी एनफोर्समेंट इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग पुलिस के हैं, तो सरकार के तरफ से प्राइस चिट मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट एक कानून है। कि आपने अभी पढ़ा इस न्यूज के, आप जब पढ़ रहे थे कि 100 मेंबर्स जो जोड़ते हैं उनको ये गिफ्ट, 200 मेंबर्स जो जोड़ते हैं उनको ये गिफ्ट, 1,000 जो मेंबर बनाते हैं उसको मारुति कार, 5,000 मेंबर जिसको बनाते हैं उसको, तो दिस ये प्राइस बनाती है, प्राइस जो है ये प्राइस चिट मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट। तो कानून बहुत एब्सोल्युटली क्लियर है कि दिस इज अ पोंजी स्कीम, दिस इज अ मनी सर्कुलेशन रैकेट एंड इट इज कमिंग अंडर प्राइस चिट मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978। और हमने देखा कि पूरे देश में आंध्र प्रदेश पुलिस ने ही इन पर कार्रवाई किया जी। Now that is something that is because कानून है, आप इसको enforce क्यों नहीं कर रहे हो? आपको मालूम है कि ये MLM है, ये fraud है, तो आप इसको बढ़ने क्यों देते हो? और 4 साल इसका timing आप perfect देखिए,
चार साल जब एग्जैक्टली खत्म हो गया, जब लोगों को पैसे वापस देने का वक्त आ गए तो ये कंपनी बस्ट हो जाता है। बट वी हैव टू अप्रिशिएट द आंध्र प्रदेश पुलिस ने बहुत तगड़ा कार्रवाई कर दिया इस मामले में। सेक्शन कौन से लगा है? सेक्शन 420 आईपीसी के और प्राइस चिट मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट के 3, 4, 5, 6 ये सेक्शन प्राइस चिट मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट के और आंध्र प्रदेश प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट। दिस प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिट एक्ट आर अवेलेबल ऑन स्टेट्स। आप मध्य प्रदेश में देखो वहां भी एक्ट है, हर स्टेट का अपना एक्ट है। बट वी फाइंड द पुलिस इज नॉट एक्टिंग इन मेजर ऑफ द केसेस। वो जब तक नहीं एक्ट करते तब तक डिफॉल्ट नहीं होता है। बट दैट इज समथिंग दैट इज रॉन्ग। यहां हमने देखा कि आंध्र प्रदेश पुलिस इमीडिएट कार्रवाई कर लिया सूरत में जाके उनके ऑफिस से गोपाल शेखावत। अभी हमने जब पुलिस के एसपी से बात की उन्होंने कहा कि चार लोग इसमें अरेस्ट है इंक्लूडिंग द सीईओ ऑफ द कंपनी अदिल पात्रावाला, इंक्लूडिंग मिस्टर देवानी जो उनके एचआर हेड है और मिस्टर रसूल खान। द पॉइंट इज ये कंपनी एक फ्रॉड था तो पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं हो गया? दैट इज समथिंग दैट अब इतने 5,000 करोड़ इकट्ठा करने तक पूरे देश में सब जगह कलेक्शन आप देखेंगे इतना बड़ा तौर से सिलेक्शन था और चैनल्स में आज तक मैंने शायद उन्होंने एक पूरे साल के स्लॉट बुक कर दिया था संडेज में जो एक आधा घंटे का उनका एक प्रोग्राम चलता था ऑफ मिस्टर गोपाल शेखावत। एज पर द आंध्र प्रदेश पुलिस टुडे मिस्टर गोपाल शेखावत इज एब्सकाउंडिंग। गोपाल शेखावत आज के तारीख में एब्सकाउंडिंग है। ही इज वॉन्टेड, ही इज अ फ्यूजिटिव, पीपल पुलिस इज आफ्टर हिम। आप देखेंगे इस कंपनी का बैकग्राउंड देखेंगे पहले ये रजिस्टर्ड था मुंबई में जी। न्यू लुक मल्टी ट्रेड के नाम से इनको रजिस्टर किया गया एंड समवेयर अराउंड 2010 के आसपास कंपनी का नाम चेंज करके न्यू लुक रिटेल के नाम पे उनको न्यू कंपनी नया मींस नेम चेंज होगा कंपनी का और कंपनी वॉज कॉल्ड न्यू लुक रिटेल। नाउ द पॉइंट हियर इज इफ दिस इज अ फ्रॉड दिस व्हाई डज इट टेक the enforcement agencies so much time to stop this particular company. आज के तारीख में उनके assets को freeze किया गया, सब seal किया गया, उनका website seal किया गया, website भी down है, और Reserve Bank of India और आंध्र प्रदेश पुलिस ने मिलके उनके जितने accounts है, आप देखेंगे SBI की account है, HDFC की account है, IDBI की account है, Bank of Maharashtra की account है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट है। आई विल टेल यू वन थिंग वेरी वेरी पर्टिनेंट। आरबीआई का एक सर्कुलर था 2009 में कि हर बैंक्स को कि आपने जब भी कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस आपके नजर में आता है बिकॉज यहां पर क्या हो रहा था पूरे देश से ऑनलाइन इंटरनेट के द्वारा 5,500 रुपया उस अकाउंट में जमा करना था। ये जो 5 अकाउंट हमने आपको अभी सुनाया SBI HDFC IDBI बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बैंक आरबीआई के 2009 के सर्कुलर के हिसाब से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स के लिए और नो योर कस्टमर नॉर्म्स के हिसाब से कोई भी फ्रॉडुलेंट फिक्टिशियस सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस होता है तो बैंक का नंबर वन फंडामेंटल ड्यूटी होता है कि इमीडिएटली आरबीआई को इन्फॉर्म करे कि दिस इज समथिंग सस्पिशियस बिकॉज अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और 70% पैसे तुरंत कमीशन के तरफ बाहर जा रहा है। इफ यू सी प्रोडलेंट और पूरे देश में जब इतना बड़ा स्कैम चल रहा था एक ताज्जुब की बात है एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग एंड एब्सोल्युटली सरप्राइजिंग ऑल्सो कि नथिंग हैज बीन डन। व्हाई आर वी वेटिंग? ऐसे आप खोलो ऐसे 100 से अधिक कंपनी है आज भी पूरे देश में जिस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग जिस प्रकार से मनी सर्कुलेशन रैकेट चला रहे हैं एंड स्पेशली इन द रूरल एरियाज में एक कैंसर जैसे पकड़ गया एक दिमाग जैसा बन गया एंड फ्लाई बाय नाइट होता है कंपनी बंद हो जाए फरार हो जाता है डायरेक्टर्स फरार हो जाता है और फिर यही कंपनी दूसरे नाम से हम खोलते हैं दूसरे डायरेक्टर्स के नाम से खुल रहा है और हमारे ROC हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बट इन दिस पर्टिकुलर थिंग ये जो इंस्टेंस है न्यू लुक मल्टी ट्रेड और न्यू लुक रिटेल के हिसाब से दी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने भी उन पे इंक्वायरी लगा दी है। 209 कंपनीज एक्ट के अंदर 209A के अंतर्गत उनका इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स बोल बट इट इज टू लेट बिकॉज कंपनी बंद हो चुका है डायरेक्टर फरार है CMD फरार है कुछ लोग पकड़े गए हैं बट
पीपल हैव लॉस्ट मनी, लोगों के हजारों करोड़ चले गए, लोगों को पैसा चला, नोबडी इज सेइंग द पॉइंट दैट दे हैव पुट द मनी विद द इंटेंशन कि चार साल में आपने डबल प्रॉमिस किया है और चार साल जैसे हुआ है ये कंपनी बंद हो चुका है। यानी जितने पैसे आए वो कहां पर है, जितने सीज किए, क्या जितने इन्वेस्टमेंट से मैच होता है, ये सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है और इस फ्रॉड को रोकना। अभी ये तो फ्रॉड है, ठीक है, ये कंपनी बस हो चुका है, आपके पास एक 100 और कंपनी है जो और रूरल एरियाज में पूरे देश से हजारों करोड़ आज भी डिपॉजिट के तौर पे, मनी सर्कुलेशन पॉन्जी स्कीम्स के तौर पे दे आर कलेक्टिंग फ्रॉम दी पुअर रूरल इलिटरेट इन्वेस्टर्स एंड नथिंग इज बीइंग डन अबाउट इट। वी वर टॉकिंग टू द एसपी, एसपी साहब से जब बात हो गए, मतलब कि दिस वॉज एक तो है कि रिटेल चेन आप देखेंगे, मिस्टर किशोर बियानी हैड अ टफ टाइम having a real retail business not doing well very well, और retail business अगर हम लोग दो मिनट के लिए सोचते हैं कि ये retail business है तो भी it is not feasible कि आप चार साल में double कैसे दे सकते हो, और चार साल में double तब देना जब 70% आप तुरंत commission में बांट रहे हो, 100 रुपया आ रहे हैं आप 70% commission में बांट रहे हो और 30% जो बचा हुआ है आप काम में लगा रहे हो और ये promise कर रहे हैं कि 200 रुपए हम चार साल के बाद, दिस वॉज टोटली अ फेल्ड स्कीम एंड एज पर मी द एनफोर्समेंट एजेंसी को पहले एक्ट करना चाहिए था। जितने डिले होता है इतने लोग बर्बाद होते हैं, उनके पूरे पैसा चला जाता है एंड इन्वेस्टर्स आर अल्टीमेटली द लूजर। वी आर ऑल्सो टॉक्ड, वी आर कंटिन्यूसली बीन टॉकिंग, वी हैव बीन कंटिन्यूसली टॉकिंग टू द पुलिस अथॉरिटीज। हमारे साथ सहयोगी अयूब जी जुड़ गए हैं मुंबई से। अयूब, जिस तरीके से प्रदीप जी ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ हमारे दर्शकों को समझाया कि आखिर इस काम करने की, इस कंपनी के काम करने का तरीका क्या है और कैसे ना सिर्फ इसकी जड़ें देश में बल्कि विदेशों तक फैली हुई हैं और किस तरीके से इसने लोगों को लूटा है, खासतौर पर अगर मुंबई की बात करें जहां जिस तरीके से प्रदीप जी कह रहे हैं कि एक भी इसका मार्ट नहीं था, एक भी इसका आउटलेट नहीं था, बावजूद इसके लोग इसके फर्जीवाड़े में फंसे। मुंबई की खासतौर पर हम बात करें तो ऐसे कितने लोग हैं जो इसके इस फर्जीवाड़े में फंसे, इस ठगी का शिकार हुए और क्या अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है इस कंपनी के मालिक के खिलाफ? मैट पर कार्रवाई की बात है, आंध्र प्रदेश पुलिस पिछले महीने में एक कार्रवाई की थी, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन जो उसका सरगना है गोपाल वो अभी तक फरार है। लेकिन गौर करने वाली बात नहीं, यहाँ पर ये देखने को मिली सूरत शहर में कि जिस जगह पर ये एनमार्ट मौजूद है, जहाँ पर आउटलेट बने हुए है, वो बाकायदा धड़ल्ले से चल रहे हैं, वहाँ के जो कर्मचारी है वो रोज वहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि जो खबर हमारे पास है, आंध्र प्रदेश पुलिस ने पिछले महीने में सूरत यानी गुजरात में आकर सूरत शहर में इस आउटलेट को सीज किया था, ताला लगाया था और इसके आगे इस तरीके के व्यवहार करने से मना किया, लेकिन बावजूद इसके हमने प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर जाकर देखा तो ये पाया गया कि ये आउटलेट, तमाम आउटलेट जो है इसमें वो चल रहे धड़ल्ले से। कुछ लोग वहां पर आए थे जिन्होंने अपने घरों के जो विभिन्न जो लोग है, 5-5 के हिसाब से 3 सदस्य और 4 सदस्य ऐसे पैसे यहाँ पर भरे थे, वो लोग लगातार यहाँ पर चक्कर खा रहे हैं, यहाँ पर ठोकरे खा रहे हैं, लेकिन जो सरगना है गोपाल शेखावत वो अभी तक फरार है। कहा यह जा रहा है कि पूरी तरीके से गुजरात पुलिस की गोपाल शेखावत से या सूरत पुलिस से कहे वो मिली भगत है और उसी के तहत ये आउटलेट फिर बार जो है ये दुकानें धड़ल्ले से चल रही है, जिससे कि जिन लोगों को अपेक्षा थी कि कार्रवाई होगी और इन लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाए, 3 या 4 लोगों को अभी तक जो हमारे पास जानकारी है गिरफ्तार किया गया है जो सलाखों के पीछे, लेकिन जो मुख्य सरगना जो है वो अभी भी अपनी गतिविधियां यहाँ पर बाहर से रहते हुए यहाँ की चला रहा है। नया बिल्कुल अयूब, यानी कि जिस तरीके से भले ही कड़ी कार्रवाई की यहाँ बात की जा रही हो, लेकिन हकीकत में जो इस फर्जीवाड़े का मुख्य सरगना है उसे मदद मिल रही है पुलिस की तरफ से, ये बात सामने आई है, साफ हो पाई है। लेकिन यहाँ पर अयूब, जिस तरीके से इस पूरे फर्जीवाड़े को चैनल न्यूज दिखा रहा है और इसकी हकीकत क्या है, कैसे ये कंपनी काम करती है, वो भी यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए जिस तरीके से आप सूरत गए थे, वहां पर आपने जो गार्ड है, कंपनी का गार्ड है, उससे आपने बातचीत की थी, कई लोगों से भी आपकी बातचीत हुई थी, इस बातचीत से क्या चीजें निकल कर आई हैं, क्या कुछ खुलासा हुआ है, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को बताएं आप।
देखिए नया, आपने सुना होगा कि कंपनी का जो गार्ड जो है वो मुस्तैद होकर इस इमारत के मुख्य प्रवेश पर बैठा हुआ है, लगातार अंदर जो बैठे कर्मचारी अधिकारी है उनसे संपर्क भी करता है। हमने जब उससे बातचीत करने की कोशिश की तो जब उस बातचीत के दौरान हमने उससे पूछा था यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर आपने देखा होगा कि उसने माना कि कार्रवाई हुई थी। हमने उसके बाद उससे ये भी पूछा कि यहाँ पर पुलिस ने इस आउटलेट को या इस इमारत को सील किया था, इस बात को भी उसने माना, लेकिन बावजूद इसके वो ये भी बात मान रहा है कि आप वहाँ पर जो है एचआर के लोग या संबंधित जो दफ्तर है उसका पहली मंजिल पर वहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो मिलना नहीं चाह रहे हैं, खाने खाने का वक्त है। हालांकि कुछ लोगों के उन्होंने नाम लिए थे जिनसे बात की थी, लेकिन उसके बावजूद जो है उन कर्मचारियों ने हमसे मिलना पसंद नहीं किया और हमें वहां से लौटना पड़ा। हालांकि जब हमने निवेशकों से बात करने की कोशिश की वो भी वहां पर आते हैं हर दिन और जो सामान है जो उन्हें मिलना चाहिए, जो उनका अधिकार है वो नहीं मिल पाता है, उस बारे में भी हमारे पास शिकायतें की थी। लेकिन कुल मिलाकर जिस आंध्र प्रदेश पुलिस ने एक महीना पहले या उससे कुछ दिन पहले आकर सूरत पुलिस के साथ में मिलकर इस आउटलेट को या इस इमारत को सील किया था, ताला लगाया था, वो आखिर खुला कैसा या खुलने के बाद ये आउटलेट तमाम जो थे वो दुकानें या दुकानों के जो शटर थे वो कैसे ऊपर उठाए गए, उसके बाद उसके कर्मचारी किस तरीके से यहाँ पर आते हैं, हमने कर्मचारियों से भी बात करने की कोशिश की थी लेकिन कोई भी कर्मचारी सामने नहीं आ सका। लेकिन कुल कह सकते हैं कि ये जो फर्जीवाड़ा है इसमें सरकारी अधिकारियों की पुलिस अधिकारियों की बड़े पैमाने पर मिलीभगत है। उसी के तहत आंध्र प्रदेश पुलिस की कार्रवाई के बावजूद गुजरात पुलिस की सूरत पुलिस की सह पर ये आउटलेट अभी यहाँ पर धरने से चल रहे। नया तो बंद करने की बात कही गई, बंद करवा दिया गया है ये भी कहा जा रहा है, लेकिन हकीकत में क्या है असलियत, वो जिस तरीके से चैनल वन न्यूज ने तफ्तीश की, तहकीकात की, तो ये सारी चीजें निकल के सामने आई हैं कि अभी भी आउटलेट्स चल रहे हैं। एन मार्ट का ये फर्जीवाड़ा है, बड़ा फर्जीवाड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि एन मार्ट के इस फर्जीवाड़े का जो मुख्य सरगना है वो है गोपाल शेखावत, और जब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कार्रवाई की गई तब पुलिस को गोपाल शेखावत के घर से कुल 1,13,00,000 रुपए की कारें बरामद हुई हैं। कई कारें गोपाल शेखावत के पास हैं, कारों के शौकीन माने जाते हैं गोपाल शेखावत। अगर इनकी कारों पर नजर डालें तो इनके पास BMW FX भी है, होंडा CRV है, फोर्स है, टाटा विंजर है, टाटा सफारी है। इन तमाम कारों की अगर कीमत की हम बात करें तो आप जानकर चौंक जाएंगे, 1,13,00,000 रुपए, तकरीबन 13,00,000 रुपए की ये कुल कारें हैं। तो लोगों को पहले लूटा और बाद में उन्हीं पैसों से अपनी जो इच्छाएं हैं उन्हें पूरा करते यहां पर गोपाल शेखावत नजर आ रहे हैं। तो कौन से मॉडल, कौन सी गाड़ी और कितनी कीमत, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह है एन मार्ट का फर्जीवाड़ा, वो एन मार्ट का फर्जीवाड़ा जिसे लेकर शायद ही लोगों ने इस तरह का अंदाजा लगाया होगा कि उनके पैसे भी लूटे जा सकते हैं और ये कंपनी उनको ठग सकती है, उनको लूट सकती है। और जिस तरीके से हमारे साथ लगातार इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी बने हुए हैं अयूब, साथ ही साथ हमारे साथ सीनियर एडवोकेट प्रदीप जी भी हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से अयूब ने जानकारी दी कि जब वो सूरत गए तो वहां जाकर पता चलता है कि जिन आउटलेट्स को बंद करा दिया गया था वो धड़ल्ले से चल रहे हैं, वहां काम जारी है, लेकिन कर्मचारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है और कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। यानी कि ये बात तो साफ हो गई है कि एक तरफ आंध्र प्रदेश पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाती है, वहीं दूसरी तरफ सूरत पुलिस की तरफ से मदद दी जाती है गोपाल शेखावत को, जिसके शह पर वो धड़ल्ले से चला रहे हैं अपना आउटलेट्स। एग्जैक्टली नेहा, आई वॉज टोल्ड दैट जब सूरत में आंध्र प्रदेश के पुलिस व्हेन दे वेंट देयर एंड दे गॉट होल्ड ऑफ गोपाल शेखावत एंड द अदर पीपल, वहां एक बहुत तमाशा सा क्रिएट हो गया था। उन्होंने चिल्ला चिल्ला के बोला कि मैं किडनैप हो रहा हूँ। जब पुलिस आए थे आंध्र प्रदेश के तो उन्होंने ऐसे माहौल बनाने की कोशिश किया कि वो किडनैप हो रहे हैं, फिर सूरत पुलिस का इन्वॉल्व, जैसे पिक्चरों में होता है उसी प्रकार का एक एंटायर सीन वॉज बीइंग क्रिएटेड देयर, जहां सूरत पुलिस आता है एंड देन अल्टीमेटली आंध्र प्रदेश पुलिस को उनको फैक्स करना पड़ा, कोर्ट के ऑर्डर, उनको वारंट का कॉपीज फैक्स करना पड़ा, तब जाके गोपाल शेखावत को आंध्र प्रदेश पुलिस वहां से लेके फिर मुंबई में लेके आए, बोरीवली में जितने उनके प्रॉपर्टीज हैं यहां पर प्रॉपर्टीज को सील किया गया एंड ही वॉज प्रोड्यूस्ड इन बोरीवली कोर्ट। तो बोरीवली कोर्ट में उनके जितने वकील हैं
उन्होंने कहा कि शायद इंप्रेस कर दिया मजिस्ट्रेट को कि हमको जिस प्रकार से अचानक वहां से लिखे आए दैट वाज रॉन्ग, और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि प्रॉबेबली ऑन द 1st of October ही वाज सपोज टू गो एंड सरेंडर टू आंध्र प्रदेश। उन्होंने मजिस्ट्रेट को शायद एफिडेविट और अंडरटेकिंग दिया था कि मैं जाके सरेंडर करूंगा 1 तारीख को, तो मजिस्ट्रेट उन्होंने कंडीशनल बेल दिया था फॉर फ्यू डेज कि आपको आपका काम है कि 1 अक्टूबर को वहां जाके आपको सरेंडर करना है। तो एक तारीख को उनको सरेंडर करना था गोपाल शेखावत एंड मार्ट के जो सीएमडी थे, एज पर दी कोर्ट बेल कंडीशंस 1 तारीख को जाके आंध्र प्रदेश पुलिस के सामने प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में जाके उनको सरेंडर करना था और वो सरेंडर नहीं किया, वो फरार हो गए। उसके बाद वो फरार हो गए, आंध्र प्रदेश के पुलिस वहां से फिर मुंबई आ गए आफ्टर कोर्ट को कहा कि आपके कंडीशनल बेल के हिसाब से गोपाल शेखावत को हमारे पास सरेंडर होना था और गोपाल शेखावत सरेंडर नहीं हुए, ही डिडंट सरेंडर बिफोर द आंध्र प्रदेश पुलिस। तो कोर्ट इशूड अ वारंट फ्रॉम हियर ऑल्सो कि उनको तुरंत अरेस्ट करो एंड ही इज डिक्लेयर्ड एन एब्सकाउंडर। टुडे गोपाल शेखावत इज एन एब्सकाउंडर, ही इज रनिंग अवे फ्रॉम द लॉ एंड द पुलिस इज इन वॉच आउट। सरेंडर का डेट था, सरेंडर नहीं किए आंध्र प्रदेश में, वो सरेंडर नहीं किए। फिर 29th of October में मुंबई हाई कोर्ट में उन्होंने और उनके कंपनी की तरफ से एक पिटीशन फाइल किया गया कि जो चार्जेस है उनको क्वैश किया जाए, बट दैट वाज आल्सो ट्रस्ट, उसको भी रिजेक्ट किया गया एंड ही वाज आस्क्ड टू सरेंडर। द पॉइंट इज टुडे इज नॉट सरेंडर, गोपाल शेखावत इज एब्सकाउंडिंग। बट इफ यू सी द एंटायर हिस्ट्री, आप पूरे इतिहास को देखेंगे तो पिछले 10-15 सालों में हमने देखा कि कितने ऐसे कंपनीज आए और मार्केट से हजारों करोड़, टोटल एक्युमुलेटेड 20,000 से 30,000 करोड़ मार्केट से निकल के लिखे गए एंड डायरेक्टर्स हैव वैनिश्ड, द कंपनीज हैव वैनिश्ड, देयर इज नो ट्रेस अबाउट देम, बट द सेम मनी सर्कुलेशन दूसरे कंपनी वाव फिर फ्लोट करते हैं। डायरेक्टर्स को तो कई कंपनियां सामने आई हैं और चैनल न्यूज ने भी इनमें से कई कंपनियों का पर्दाफाश किया है, खुलासे किए हैं और जो हकीकत है जनता के सामने यहां पर दिखाने की कोशिश की है कि कैसे ये कंपनियां अपनी भोली भाती जो भोली भाली बातें हैं उनसे लोगों को लूट रही हैं, उनको फंसा रही हैं, उनको ठग रही हैं। और अब जरूरत है कि लोगों को भी सोच समझ कर फैसले लेने की, क्योंकि जिस तरीके से लोग इन तमाम कंपनियों की बातों में आ जाते हैं, खुद धोखा खाते हैं और बाद में जब फर्जीवाड़ा उनके पास उनके साथ होता है तो सिर्फ और सिर्फ पछताने के सिवा उनके पास कुछ नहीं रह जाता। तो यहां जरूरत है कि वो जागरूक बने और तमाम चीजें देख परख कर ही फैसला लें। फिलहाल प्रदीप जी, वक्त की कमी थी इसलिए आपसे ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक मिनट जी, जी बोलिए प्रदीप जी। उनसे जो लिस्ट अटैच जो प्रॉपर्टीज में, उनसे एक रोल्स रॉयस कार भी है, रोल्स रॉयस का कार और हेलीकॉप्टर भी है जो अटैच किए हो, जो पुलिस के इस लिस्ट में नहीं है और जो अटैच किए, यू कैन अमाउंट सी द अमाउंट। उनके पास हेलीकॉप्टर भी था, उनके पास रोल्स रॉयस द टॉप मोस्ट व्हीकल्स, टॉप ब्रांड की गाड़ियां जी, which is not probably in the list, it was also there, please. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। और जिस तरीके से आपने जाते जाते ये भी बताने की कोशिश की कि ये कंपनी जो अपनी बातों से लोगों को लूटती थी, लोगों को फंसाती थी, कैसे लोगों की जो मेहनत की कमाई है वो तो लूट गई, लेकिन इस कंपनी के पास अंधाधुन पैसा है, इसका खुलासा भले ही पुलिस की तरफ से ना किया गया हो लेकिन हकीकत क्या है वो चैनल वन न्यूज अपने दर्शकों को बता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया अयूब जी। और फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं हूं उदय सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन। आज के बच्चों को गांधी में क्या दिखता है? हर राजनीतिक पार्टी ये चाह रही है कि दूसरी पार्टी पहले आगे आए, वो निर्णय ले और उसके बाद तब हम अपना प्यादा। 500 रुपया रिटेल पैक खरीद लिया पर कंपनी ने 48 महीने तक तो छोड़िए, 1 महीने भी मुफ्त में सामान नहीं दिया। मेरा नाम दशरथ भाई है। आप पूरी बता दें कितना पैसा यहाँ पे भरा? हमारे दो कूपन लिया है, 5,500 रुपया दो बार भरा और दो कूपन लिया है, और हमारा भाई ने भी दो कूपन लिया है, और हमारा एक भतीजा भी लिया है, उसका 5 कूपन लिया है। अभी 3-4 महीने से तक कोई सामान देता नहीं है।
अब सब बोलता है अभी सामान नहीं आएगा, आएगा तब मिलेगा, अभी 2 महीना लगेगा दिवाली के बाद आना, अभी आएगा तो आपको मालूम पड़ेगा, अभी देता नहीं है। नहीं हमने इन्वेस्ट हम तो खरीदे कस्टमर। एनमार्ट कंपनी ने मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि MLM के जरिए करीब 5,000 करोड़ रुपए की ठगी की है। एनमार्ट ने 5,500 रुपए का रिटेल पैक लोगों को बेचा, जिसमें कंपनी ने 4 साल तक हर महीने 1,500 रुपए का सामान अपने आउटलेट्स पर मुफ्त में देने का वादा किया, पर कंपनी ने किसी को भी मुफ्त में सामान नहीं दिया। एनमार्ट का फर्जीवाड़ा। एनमार्ट ने MLM के जरिए करीब 5,000 करोड़ रुपए की उगाही की। ये रुपए कंपनी को मुनाफे के तौर पर नहीं बल्कि कंपनी के सैकड़ों लोगों को दौलत का ख्वाब दिखाकर ठगा है। कंपनी ने 5,500 रुपए का रिटेल पैक लॉन्च किया। रिटेल पैक में हर महीने 1,500 रुपए का सामान मुफ्त में देने का वादा किया था, वो भी 4-5 महीनों तक के लिए नहीं बल्कि पूरे 48 महीने तक। इसके साथ ही रिटेल पैक खरीदने वाले को 20 लोगों का एक चेन भी बनाना था जो इस रिटेल पैक को खरीदे, और कंपनी ने 20 लोगों को चेन बनाने पर एक इन्वर्टर देने का वादा किया था। कंपनी का ऑफर आकर्षक था, सो सैकड़ों लोगों ने फटाफट 5,500। सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। MLM कंपनी एक ऐसी कंपनी जो आपको पैसे कमाने का तरीका बताती है और आपको रातों रात अमीर बनाने का ख्वाब दिखाती है, लेकिन हकीकत में ये सुनहरे सपने पूरे कम बल्कि टूटते ज्यादा हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा माहेश्वरी और हम बात कर रहे हैं MLM कंपनी के फर्जीवाड़े की, जिसने अपनी जेबें भरने के लिए कईयों को चूना लगाया। तो कैसे ये कंपनी लोगों को लूटती है, क्या है इसके काम करने का तरीका, कितने लोग हुए हैं अभी तक इसके शिकार, तमाम सवालों के हम देंगे जवाब और खुलासा करेंगे MLM कंपनी के घपलेबाजी का।